वहीं बांदा के तर्रा कस्बे में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी कृष्णा पटेल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 से ज्यादा परीक्षाएं भाजपा सरकार में रद्द हो गई हैं। पेपर इसलिए लीक हुए क्योंकि नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। पेपर रद्द होने की वजह से उत्तर प्रदेश के 7 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। क्योंकि इन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल नौकरी का सवाल नहीं, उसके साथ साथ आरक्षण का भी सवाल है।